The question is, a brooch is made with silver wire in the form of circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making five diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in the figure. So what we have to find first, the total length of silver wire required. कि ब्रॉच को बनाने में पूरा कितना वायर हमको सिल्वर वायर यूज करना है उसकी लेंथ निकालनी है हमको. दूसरा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच. तो इस ब्रॉच का जो 10 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं उसमें ईच सेक्टर का एरिया कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिल्वर वायर कितना चाहिए इस ब्रॉच को बनाने के लिए. इस ब्रॉच में हमने सिल्वर वायर कहाँ यूज किया है, एक तो सर्कल पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, राइट, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जिसकी डायमीटर क्या है 35 मिलीमीटर, राइट. तो पहले तो हम सर्कमफ्रेंस पे इसको यूज कर रहे हैं. दूसरा, इसके साथ साथ हम कहाँ वायर यूज कर रहे हैं, हम जो है इस ब्रॉच के अंदर, इस सर्कुलर ब्रॉच के अंदर इसकी फाइव जो है डायमीटर्स पे भी सिल्वर वायर यूज कर रहे हैं. तो यानी लेंथ ऑफ फाइव डायमीटर्स, तो सर्कमफ्रेंस प्लस लेंथ ऑफ फाइव डायमीटर्स, उतना सिल्वर वायर हमको इस क्वेश्चन में इस ब्रॉच को बनाने के लिए रिक्वायर्ड है. सेकेंड, हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर. अब क्योंकि ये यहाँ पे जो है सारे के सारे सेक्टर्स का एरिया क्या है, इक्वल है, वो इक्वल सारे के सारे सेक्टर्स का एरिया क्या है पे इक्वल है. तो अगर हम एक सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो बाकी सेक्टर्स का एरिया निकल जाएगा, राइट. टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 10 सेक्टर्स हैं. तो 10 सेक्टर्स में कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, यह है 360 डिग्री. तो एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो कितना होगा, 360/10 यानी 36 डिग्री. तो यहाँ से हमको थीटा मिल जाएगा और फॉर्मूले में हमको वैल्यूज पुट करके इस सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर. तो सबसे पहले तो डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, राइट. 35/2 के फॉर्म में मैं रख रही हूँ ताकि हमको सिंप्लीफिकेशन करने में इजी रहेगा. अब हमको निकालना है लेंथ ऑफ द वायर. सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल कितना होगा, यू गॉट 2πr यानी 2 × 22/7 इंटू आर कितना है यहाँ पे 35/2. 2 से 2 कैंसिल जाएगा, इस 7 से ये 35 कैंसिल जाएगा, जो 10 इतना मिलीमीटर. तो जो ब्रॉच का सर्कमफ्रेंस है वो तो हमारे पास इतना वायर तो हमको चाहिए सर्कमफ्रेंस के लिए. इसके साथ साथ हमको इस ब्रॉच के अंदर जो 5 डायमीटर्स हैं वो भी किससे बनी है, सिल्वर वायर से बनी है. तो इस यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स, लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स. एक डायमीटर की लेंथ कितनी है, 35. तो 5 की कितनी जाएगी, 175 मिलीमीटर. अब सर्कमफ्रेंस के लिए इतना वायर चाहिए और 5 डायमीटर्स के लिए इतना वायर चाहिए. तो टोटल कितना सिल्वर वायर चाहिए, तो यहां पे निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर्स की लेंथ. तो यहां से आया 285 मिलीमीटर. तो टोटल कितना सिल्वर वायर चाहिए हमको, 285 मिलीमीटर, राइट. तो ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब हमको निकालना है सेकंड पार्ट. क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच. इस ब्रॉच में कितने सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं, 10 सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं. सारे के सारे सेक्टर्स क्या हैं, इक्वल है, राइट. अब 10 जो सेक्टर्स हैं उनका जो पूरा टोटल एंगल है वो है 360. सो एंगल फॉर वन सेक्टर, एंगल ऑफ वन सेक्टर, टोटल एंगल है 360 और नंबर ऑफ सेक्टर है 10. तो यानी एक सेक्टर, तो यानी जो एक सेक्टर है
वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे, वो होगा 36 डिग्री। अब हमारे पास थीटा है, हम एक सेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, एरिया। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 36 है यहाँ पे बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है, आर है 35/2 और आर स्क्वायर है इसलिए ये दो बार आएगा, राइट। 36 वन्स आर ये 10 टाइम्स, करेक्ट। 7 वन्स आर 75, 5 वन्स आर 52, ये 11। तो यहाँ पे आ रहा है 11 इंटू 35/4 और इसका फाइनल आंसर आएगा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, राइट। तो एक सेक्टर का एरिया इतना, तो बाकी सारे के सारे सेक्टर्स का एरिया भी कितना होगा, 96.25, राइट। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, यहाँ पे एक क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक ब्रॉच है जो सर्कुलर शेप का है, राइट। इसमें सिल्वर वायर यूज हुआ है, कहाँ कहाँ पे, उसके सर्कमफ्रेंस पे और सर्कल के बीच 5 जो डायमीटर्स हैं वो किससे बनी है, सिल्वर वायर से बनी है। हमको फाइंड आउट करना है कि पूरे के पूरे ब्रॉच को बनाने में कितना सिल्वर वायर यूज हुआ है। तो पहले क्या निकालेंगे, इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे, राइट। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, 5 डायमीटर्स के लेंथ को ऐड करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ सिल्वर वायर निकल जाएगी, करेक्ट। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि हमको ईच सेक्टर, क्योंकि 5 जो डायमीटर्स हैं उनकी वजह से यहाँ इस सर्कल के अंदर 5 क्या फॉर्म हो रहे हैं, सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। पांचों के पांचों सेक्टर जो हैं इक्वल एरियाज के होंगे, तो हमको क्या करना है, इन सेक्टर्स का एरिया निकालना है, राइट। 10 सेक्टर का एंगल है 360 डिग्री, राइट। तो एक सेक्टर कितना एंगल फॉर्म करेगा सेंटर पे, वो होगा 360/10 विच इज 36 डिग्री, राइट। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सिर्फ हमको क्या करना है, इस फॉर्म में वैल्यूज पुट करनी है, थीटा की जगह 36, आर कितना है 35/2 और यहां से हमारी जो फाइनल वैल्यू निकलेगी, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर।